नमस्कार, आवाज के स्पेशल ट्रांसमिशन शो में आपका स्वागत है। आज का आवाज का प्रोग्राम कई मायनों में थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि आज के आवाज के प्रोग्राम में राजनीतिक रंग का चढ़ा होना मालूम पड़ सकता है। मैं अपने प्रोग्राम में कभी भी राजनीति को बीच में नहीं लाता, प्रोग्राम सोशल इश्यूज पर होते, लेकिन आज थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर राजनीति जो है वो मेरे लोगों को सीधे प्रभावित कर रही है। तो आज जनता की आवाज बनने मैं यहां पर आया हूं, लेकिन यहां पर सियासत का थोड़ा सा चटकदार रंग नजर आ सकता है, लेकिन इस चटक राजनीतिक रंग का सीधा और नकारात्मक असर जनता पर होता दिख रहा है। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड की, जहां आज उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के नतीजे आए और बीजेपी ने बाजी मार दी। 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका फहरा दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया है जो कि बीजेपी के हैं, जितनों की मैंने बात की। तो उससे भी बड़ी सियासी हलचल यह है कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये कोई बहुत अलग बात नहीं लगेगी आपको, बहुत मजाकिया लहजे में आपको लगेगी कि वहां तो जितने मौसम नहीं बदलते उससे ज्यादा मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो उसमें नया क्या है, तो बहुत आम हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसमें नया क्या है, क्योंकि 115 दिन के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और पुष्कर सिंह धामी नए सीएम बनाए गए। पूरे देश में मौसम भी इतनी जल्दी नहीं बदला जितनी जल्दी इस बार सीएम बदल दिया गया। इसमें सीएम के बदलने के पीछे की तमाम वजहों को तमाम चैनल आपको पहले ही दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, न्यूज फ्लैश चला रहे हैं, टिकर चला रहे हैं, तमाम विंडोज बनाकर, खिड़की बनाकर आपको तमाम तरीकों से समझाने की जानकारियां दी जा रही हैं। लेकिन जनता की आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता, जनता की आवाज तो कोई बनना ही नहीं चाहता। जनता क्या है? जनता कुछ, कोई कुछ नहीं समझता। सिर्फ देहरादून से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक कितने नेताओं ने किस हवाई जहाज से कैसे सफर किया, इसकी जानकारियां तो हर कोई आपको दे रहा है। लेकिन वहीं देहरादून के एक छोटे सी जगह पर, शहर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में किस तरह एक परिवार गुजर बसर कर रहा है, इसकी जानकारी देने का कोई जिम्मेदारी उठाना ही नहीं था। तो डेमोक्रेसी की ऐसी नौकरी कम ही देखने को मिलती है। वैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक अनार और 100 बीमार स्थिति। राज्य में पार्टी के तौर पर उसकी राह भले ही पहाड़ों जैसी पथरीली रही हो, उसमें मुख्यमंत्री पद का अनार पाने के इच्छुक बीमारों की संख्या कभी कम रही ही। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद एक बार फिर पहाड़ी राज्य में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है। और ये जनता का दुर्भाग्य ही तो है कि वो अपनी मांगों की बात करना तो दूर, अपने मन का सीएम बनाने में भी कोई महत्व नहीं रखता। राज्य को 4 महीने पहले ही नया मुख्यमंत्री मिला था, लेकिन अब उन्हें भी विदाई दे दी गई है। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर कह दिया गया है। उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो समझ आता है कि तमाम पार्टियों ने इस राज्य को मुख्यमंत्री परिवर्तन की प्रयोगशाला बना दिया है, लैबोरेटरी, जहां पर सीएमओ पर परिवर्तन कराए जाते हैं, जहां पर सीएम पर तमाम तरीके की जांचें और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो की जाती हैं। सीएम के खिलाफ नाराजगी तो इस्तीफा, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, सीएम के खिलाफ नाराजगी हो तो इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा, चुनाव नजदीक तो इस्तीफा, पार्टी आलाकमान नाराज तो इस्तीफा, कोई अन्य नेता नाराज हो जाए तो इस्तीफा, 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 इस्तीफा। जनता, जनता कहां? तो सच कहूं तो उत्तराखंड की जनता कहीं भी नहीं। बाकी सिर्फ मौके बदल जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का यूं बिना कार्यकाल पूरा करे बदलने का सिलसिला कभी थमता ही नहीं। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि कब कब और कौन कौन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी करा चुका है। और हाँ, एक बात और, उत्तराखंड में जितने मौसम नहीं बदले होंगे उससे ज्यादा तो वहां पर सीएम बदल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि और अगला मौसम बदल जाए और कल को पता लगे कि कोई सीएम भी बदल जाए, मेरा आवाज का प्रोग्राम खत्म हो, उससे पहले कोई नया सीएम आ जाए, आप रिपोर्ट। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और पहले मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी। 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक इनका कार्यकाल रहा, जो कि 354 दिन का था। इसके बाद नाम आता है भगत सिंह कोशियारी का, जो कि 30 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे, इनका कार्यकाल रहा 122 दिन का। तीसरे मुख्यमंत्री का नाम आता है नारायण दत्त तिवारी, 2 मार्च 2002 से लेकर 7 मार्च 2007 तक मुख्यमंत्री रहे, इकलौते मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, इनका कार्यकाल रहा 5 साल 5 दिन का। अगले मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी,
जो कि 7 मार्च 2007 को मुख्यमंत्री बने और 26 जून 2009 तक मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल रहा 2 साल 111 दिन का। 10 सितंबर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल रहा 2 साल 75 दिन का। इसके बाद एक बार फिर भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल रहा 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक। इनका कार्यकाल रहा 184 दिन का। इसके बाद विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने 13 मार्च 2012 से लेकर 31 जनवरी 2014 तक राज्य की सत्ता की कमान संभाली। इनका कार्यकाल रहा 1 साल 324 दिन का। इसके बाद मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, 1 फरवरी 2014 से लेकर 27 मार्च 2016 तक। इनका कार्यकाल रहा 2 साल 55 दिन का। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 27 मार्च 2016 से लेकर 21 अप्रैल 2016 तक एक्टिव रहा। ये राष्ट्रपति शासन रहा 25 दिन तक। इसके बाद हरीश रावत एक बार फिर मुख्यमंत्री रहे, 21 अप्रैल 2016 से लेकर 22 अप्रैल 2016, मतलब एक दिन। हरीश रावत एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, 11 मई 2016 से लेकर 18 मार्च 2017 तक। कार्यकाल रहा 311 दिन का। इसके बाद मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत, 18 मार्च 2017 से लेकर 10 मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल रहा 3 साल 357 दिन का। इसके बाद मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत, 10 मार्च 2021 से लेकर 2 जुलाई 2021 तक। कार्यकाल रहा 115 दिन का। वहीं अब नए मुख्यमंत्री पर पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बीजेपी ने अपने दो नेताओं की हास्यास्पद हालत बना दी। हरीश रावत ने ट्वीट किया है कि 2017 में सत्तारूढ़ हुई उत्तराखंड भाजपा ने अपने दो नेताओं की स्थिति हास्यास्पद बना दी है। वैसे तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनाने के पीछे दलील दी गई है कि सीएम पद की शपथ लेते वक्त तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के भीतर उनका विधायक बनना जरूरी था। कोरोना के चलते राज्य में उपचुनाव नहीं हो सकते और यही संवैधानिक संकट है। वैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि नेताओं की भी अजब गजब कहानी होती है। देखिए, तीरथ सिंह रावत दिल्ली से वापस उत्तराखंड पहुंचे और इसके बाद वहां वो जब सचिवालय पहुंचते हैं तो संवाददाताओं से मुखातिब होते हैं। इस दौरान वो इस्तीफे के संबंध में कोई बात नहीं करते, लेकिन घोषणाएं कर देते हैं। और ये घोषणा करने का जो दौर था, ये सबको हैरानी में डाल देता है कि जब पद जा रहा है तब घोषणाओं का क्या मतलब। उन्होंने क्या क्या घोषणा की? उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए परिवहन और पर्यटन आदि क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उन्हें लगभग 2000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोविड महामारी से प्रभावित युवाओं को रोजगार देने के लिए 6 माह में 20,000 रिक्तियां भरेगी। उन्होंने कहा कि वह यह घोषणाएं पहले ही करना चाहते थे, लेकिन 3 दिन दिल्ली में रहने के कारण अब कर रहे हैं। और साथ ही कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। अब उनसे कोई सवाल करे कि अब इन घोषणाओं का क्या मतलब, जब उनको पता है कि कल का जो रविवार है वो उनके लिए एक खुद नई घोषणा बनकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और आज 3 जुलाई 2021 इस डेट को अपनी किताबों में लिख दीजिए अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धाम वो कल शपथ ले लेंगे और बन जाएंगे मुख्यमंत्री उत्तराखंड। वैसे उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों की इतनी संख्या हो चुकी है कि कौन किसे दोष दे, कौन से विकास प्रोजेक्ट का कौन किसे क्रेडिट दे, किसी को भी पता नहीं। अब तो एक ही कार्यकाल में 2 से 3 मुख्यमंत्री होना आम सी बात हो गई। तो ऐसे में एक ही दल से आने वाले मुख्यमंत्री भी खुद को स्वयं क्रेडिट देते रहते हैं, लेकिन जनता आज भी इतनी समस्याओं से जूझ रही है जिससे फिलहाल किसी को मतलब नहीं। जनता के क्या मुद्दे हैं, राम जाने, देवभूमि तो देव जाने, लेकिन राजनेता क्या जाने। वो जाने तो बस ये कि कल को मुख्यमंत्री कैसे बना जाए। तो एक बार जरा जनता की भी बात कर लेते, आंकड़ों से समझते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वहां की, वो है 189 पर किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। जिले हैं 13 और वहां की राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। लिटरेसी रेट की बात करें तो वहां पर जो पुरुष हैं वो 88% जो है वो लगभग पढ़े लिखे हैं, महिलाएं जो है वो 70% पढ़ी लिखी हैं, कम है। इसके बाद 2020 में उत्तराखंड की अनुमानित जनसंख्या जो थी वो थी 1,17,00,000।
1,17,00,000 जो थी वहां की अनुमानित जनसंख्या थी, जिसमें अनुमानित इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि सर्वे जो था जो लास्ट बार हुआ था वो 2011 में हुआ था। उस वक्त जो जनसंख्या बताई गई थी 2011 में वो थी 1,86,292, ये वहां उस समय बताई गई थी। इसके बाद आपको बताते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो वहां पर जिला है वो है हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार की जो जनसंख्या है वो है 18,90,422। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग, वहां की जो जनसंख्या है वो है 2,42,250। तो ये उत्तराखंड के लोगों की वहां पर ऊपरी मैंने आपको बताई कि मोटा माटी कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके से किस जगह पर कितने लोग हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, या फिर कितने वहां पर जिले हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कुछ हिसाब है। इसके बाद आपको बताऊं कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 86% पहाड़ी है और 65% जंगल है। तो ये आंकड़े दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि उत्तराखंड में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही नहीं रहते हैं, बल्कि आम इंसान यानी जनता भी रहती है। और मजाक देख, ये जनता वोट देकर विधायक तो चुन लेती है लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से चुने। और मजाक ये भी है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच झूलती जनता कुछ भी नहीं कर सकती। तो ऐसे में कोई यह पूछे, यह है नेतृत्व परिवर्तन, भाजपा की कमजोर कड़ियों को मजबूत करके उसकी समस्याएं बढ़ाएगा या उसकी चुनावी संभावनाएं उजली करेगा? तो पक्के तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राज्य में इससे पहले भी चुनावी संभावनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसे प्रयोग किए जाते रहे। इस कारण राज्य के अब तक के इतिहास में नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो पूरे कार्यकाल तक अपने पद पर रह पाए। लेकिन जानकारों के अनुसार चुनाव वर्ष में किए जाने वाले ऐसे प्रयोग प्रायः निरर्थक ही साबित हुए हैं। आज तक गत विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे ही एक खेल में भाजपा ने कांग्रेस की कमजोर कड़ियों में सेंध लगाकर राज्य को राजनीतिक अस्थिरता के हवाले किया, तो कोर्ट के आदेश पर बहाल हुई हरीश रावत सरकार भी कांग्रेस का चुनाव नहीं जीता पाई। और आज यानी 3 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने भी यह अनार अनिल बलून, अजय भट्ट, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज जैसे बीमारों को रेस से बाहर करके ही पाया है। अब प्रोग्राम को बाइंड अप करने से पहले एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं कि उत्तराखंड में सियासत से लेकर वोटर तक दिल्ली इतनी फोकस में क्यों? तो जवाब है कि मुख्यमंत्री जनता के लिए तो होता है लेकिन उत्तराखंड में जनता द्वारा नहीं होता, दिल्ली द्वारा होता है। मतलब सुबह अगर किसी मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाता है तो वो शाम तक पूर्व मुख्यमंत्री होकर ही वापस आता है और उत्तराखंड की जनता बेबस आंखों से ये सब देखती रहती है और सियासतदानों की आंखों में शर्म का एक तिनका भीगने को राजी नहीं। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर विकास के लाखों सपने दिखाए गए थे और आज तक वो सपने सिर्फ सपनों में ही अपने सपने पूरे करने की कोशिशों में टूट चुके। तो ये आज का प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि सियासत की बात होती है, जनता की बात क्यों नहीं। ये बताने की कोशिश की कि जब एक नेता, एक मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद हवाई जहाज से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से वापस देहरादून आ रहा है, उसकी तस्वीरें हमारे कैमरे दिखाते हैं लेकिन जनता की तस्वीरें हमारे कैमरे क्यों नहीं दिखते। लेकिन मैंने जैसा कि हमेशा आपसे वादा किया है कि जहां पर अंधेरा है, जहां पर सच की शमा जलाने की जरूरत है, वहां पर आवाज की टीम हमेशा सच की शमा जलाती रहेगी। धन्यवाद।